एवरीवन लेट्स बिगिन क्वाड्रेटिक की हमने पहला लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक के बारे में सीखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन आर फैक्टराइज वी गेट फैक्टर्स गेट सल्यूशन फिर हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है जो कोई इक्वेशन ऑफ द है, तो उस को जब वेन वी ड्रॉ द कर्व, इधर इट अंट और इट इजम पॉइंटर नेर्निंग को वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिन ने टर्निंग पॉइंट वट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट minimum point or a maximum point. फिर तो इसको मैंने कहा था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए है पॉजिटिविटी से कनेक्ट करके हैप्पी फेस मिनिमम पॉइंट लेस देन जीरो ए की वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिविटी से कनेक्ट करके सैड फेस मैक्सिमम पॉइंट पे कनेक्ट किया था याद करवाया था फिर हमने जो है वो स्टेशनरी uh, पॉइंट और वर्टेक्स निकालना सीखा था कहा था टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट एंड वर्टेक्स एक ही नाम होते हैं uh, मुख्तलिफ मुक्त, नाम होते हैं एक ही चीज के हाउ टू फाइंड अकॉर्डेंस टर्निंग पॉइंट बी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल लेक्चर जो है, है उसमें आप देखना चाहें देख सकते हैं वैन एवर यू थिंक दैट यूट इन समथिंग यू कैन रिवाइज योर नोट्स एंड इफ यू थिंक इवन आफ्टर रिवाइजिंग योर नोट्स यू आर एबल टू रिकॉल देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर दट इज अवेरेबल ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम राइट फिर हमने जो है वो कम्प्लीटेड स्क्वेयर फॉर्म को पढ़ना सीखा था हाउ टू इंटरप्रेट हाउ टू रीड द कम्प्लीट स्क्वा

So, x plus b is a binomial. There are two terms. They are being added. And there's a whole bracket. There's a whole power of 2. So a binomial with a power of 2. So, this form completed square form. Getting? Whenever the examiner wishes, whenever the examiner wants us to convert into completed square form, the form in which we are to express will be stated by the examiner. किस फॉर्म में करना है जैसे एग्जाम्पल नंबर वन में आप देख रहे हैं एग्जामिनर ने आपको खुद बताया एग्जामिनर so कि, कि किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो so वो फॉर्म आपके सामने दी भी होगी कि इस फॉर्म में लाना है तो so जिसे कन्वर्ट करना है वो भी पता होगा और जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो भी पता होगा

फॉर्म जो होती है कॉर्डिटिक एक्सप्रेशन की उसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करने के जिसमें एक मेथड का नाम है कंपेयरिंग वे एंड दैट मैथड इज नोन एज कंपेयरिंग को एफिशियंस मैथड अच्छा एट टाइम्स ये थोड़ा लेंथी हो जाता है एट टाइम्स दिस बिकम्स अट लें बट है बहुत आसान मैंने फ्रीक्वेंटली अपने एक्सपीरियंस में देखा कि मैं बाकी मेथड सिखाता हूं तो बच्चा कहता है सर ये वाला कर लें हमेशा चलेगा और एग्जामिनर ए लेवल्स का कभी ये नहीं कहता कि भाई इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्म में लाओ एनी मेथड कैन बी यूज कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है तो सर फिर हम इतने ज्यादा मैथड क्यों सीख रहे हैं एक ही मैथड सीख लें हाँ भाई ऐसा ही होता है एक ही मैथड सिखा दिया जाता है और फिर उसी पे फोकस किया जाता है बट मैंने आपको एक बात कही थी कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं जान छोड़वा के सिलेबस निपटा दूं। अनदर ऑब्जेक्टिव इज दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द राइट कंटेंट नॉलेज सो दैट इवन इफ यू गो टू यूनिवर्सिटी देन द स्किल द क्लासरूम यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन ग्रेस्प दैट एंड यू कैन हेल्प अदर्स वेल इनशा तो मेरी कोशिश है कि नॉलेज बेस ऐसी आप यूनिवर्सिटी में जाके भी याद करेंगे मुझे बात हमें पढ़ाई थी तो इसीलिए वो आपको इनशाला हम तो सिखाएंगे तो एक मैथड जो है वो कम्पेयरिंग को एफिशेंट मैथड है ऑलवेज एप्लीकेबल है आप चाहें हमेशा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा कर सकते हैं कोई इसमें इशू की बात नहीं है तो हम स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर वन से एग्जाम्पल नंबर वन जैसा है उसी तरह पास पेपर का सवाल भी होगा इन द पास्ट पेपर क्वेश्चन सिमिलर इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन ये बिल्कुल मैंने समझ लिया पास्ट पेपर के झलक ही आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने वहीं से वही पैटर्न फॉलो करते हुए नोट्स बनाए खुद से तो एग्जाम्पल नंबर वन से एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन इन द फॉर्म ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स हैं ये वेरिएबल नहीं है. स का मतलब होता है कोई नंबर है कोई वैल्यू है अब कैसे कर तो कंपेयरिंग को जिसे कन्वर्ट करना है उसे रखो लेफ्ट और जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे रख दो राइट हैंड साइड पर और दोनों को आपस में आइडेंटिकल करार दे दो अब एक आइडेंटिटी आप लोग पढ़ते थे ना ए प्लस बी होल स्क्वाज एक टू ए स्क्वा प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर उसके अलावा वी यूज टू स्टडी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वा माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अच्छा अब यहां पर हम लिखते थे इक्वस टू तो की साइन जबकि ये इक्वस टू तो की साइन नहीं है दिस इज नॉट एन इक्वेजन दिस इज एन आइडेंटिटी याद रखें ये जो ये जो दो लाइन्स होती है ना ये इक्वल टू का साइन होता है और ये जो तीन होती है ना ये आइडेंटिटी का साइन होता है सर ये क्या फर्क क्या फर्क वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेजन एंड एन आइडेंटिटी तो बेटा बुनियादी डिफरेंस ये होता है कि इक्वेजन इज नॉट ऑल वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरियबल

मतलब यह है कि बेटा x की वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड पर डालो और वही सेम वैल्यू राइट साइड पर डालो लेफ्ट साइड का आंसर हमेशा राइट साइड के आंसर के बराबर होगा इक्वेजन में ऐसा नहीं होता साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन जब हम सॉल्व करते हैं वो लवज में किया करते थे तो जब हम x और y की वैल्यूज ऑप्टेन करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ लीनियर इक्वेजन से तो x की सिर्फ एक वैल्यू होती है जब दोनों इक्वेजन बराबर होते हैं ऐसा नहीं है कि एफ सी कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे रखो राइट साइड पे रखो तो बराबर होता है नहीं तो वो इक्वेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे के लिखूंगा तो आधा डिस्कशन उसमें निकल जाएगी मैं सिर्फ थोड़ा सा छिड़काव कर रहा हूँ छिड़काव इट्स आइडेंटिटी का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी द राइट हैंड साइड तो अब यहाँ चेक कर सकते हैं

यहाँ भी टू डाला आप चेक करें टू माइनस टू होल स्क्वायर इज जीरो फोर माइनस एट इज माइनस फोर माइनस फोर प्लस फोर इज जीरो ऑन द लेफ्ट साइड यू गोट अ जीरो ऑन द राइट साइड एज वेल यू गोट अ जीरो अब आप कोई भी वैल्यू मेंटल मेंटली सोच के देख लें फाइव देख लें फाइव माइनस टू होल स्क्टी फाइव फोर फाइव इज ट्वेंटी प्लस फोर फाइव प्लस फोर इज नाइन राइट साइड पे भी नाइन आ रहा है लेफ्ट साइड पे भी नाइन आ रहा है इन आइडेंटिटी इज टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिएबल तो आपने क्या करना है कंपेयरिंग को आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड से इक्वेट आइडेंटिकल दे कर देना है इक्वेट कर देना है भी कह सकते हैं लेकिन दरअसल बोध और दीज आर आइडेंटिकल

क्योंकि जहन में तो आपके है ना कि ये आइडेंटिकल है बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि दो लाइन लिखने में मार्क्स कट जाएंगे लेकिन ये पता होना चाहिए कि दरअसल ये ये आइडेंटिकल क्लियर होना हमारे पास है प्लस अब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसको ये बेसिक्स है ना पहले ब्रैकेट एक्सपैंड होता है पढ़ा होगा ना तो मल्टीप्लीकेशन और फिर एंड में एडिशन तो एक्स स्क्वे प्लस टू ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वेर प्लस A x square plus 2abx plus square plus c. ये आपने मल्टीप्लाई करके एक्सपेंशन कर दी ए को आपने जो है वो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया ये आपके पास तीन टर्म्स आ गए प्लस सी एंड में एज इट इज कॉपी हो गया यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया दोनों चीजों को आपस में आइडेंटिकल रखा एंड एक्सपेंशन की नाउ द स्टेप इज कंपेयरिंग को एफिश आप करने कंपेयर अब मैं कर रहा हूं कंपेयरिंग को एफिशिएंस। सबसे पहले सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म डिग्री कहते हैं पावर को तो एक्स पावर टू है इसका मतलब मैं कहूंगा भाई इसमें मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं ये इस इक्वेशन क्योंकि यहां पर डिग्री कहलाएगी टू तो x स्क्वायर पावर टू वाला जो है उसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले अब देखें कंपेयर करने का तरीका क्या है मैं सिखाता हूं

One. तो X square का कोएफिशिएंट यहां पर ए है यहां पर X square का वन है तो दिस मींस वी विल से इज इक्वल्स टू तो कंपेयरिंग करने की वजह से मेरे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई विच इज द वैल्यू ऑफ ए अच्छा जब एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लिया अब एक्स को कंपेयर करें अब देखें राइट right साइड पर एक्स कहां पर है बस एक ही टर्म नजर आ रहा है एक्स वाला तो एक्स का है 2AB. और यहां पर एक्स का लेफ्ट साइड पर है लिखा हो तो आपको फौरन ख्याल हैव द वैल्यू ऑफ ए हैव ऑलरेडी फाउंड वैल्यू ऑफ एंड इज वन वैल्यू ऑफ ए टू टाइम फोर और यहां से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी टू ए की वैल्यू यहां से आ गई देखें टू वन ज टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई टू वैल्यू ऑफ बी एज वेल देन फाइनली एक्स पावर जीरो एक्स पावर जीरो का मतलब होता है याद रखें एक्स पावर जीरो का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म प्योर कॉन्स्टेंट इन विच देर इज नो वेरिएबल इनवॉल्व

तो ए एक्स पावर जीरो के जो कोएफिशिएंट राइट साइड पर है दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस सी और लेफ्ट साइड पर जो है दैट इज टेन तो नाउ द टर्न इज टू कंपेयर द कांस्टेंट टर्म्स इन विच देर इज नो एक्स तो ए बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू टेन नाउ यू कैन सी दैट यू हैव द वैल्यू ऑफ ए दैट इज वन द वैल्यू ऑफ बी दैट इज टू अच्छा मैं समझाने के लिए इतनी डिटेल में लिख रहा हूँ अगर आप चाहते पहले ही स्टेप के अंदर ए की वैल्यू सब्सूट करना चाहते हैं पहले ही स्टेप में बी की वैल्यू सब्सूट करना चाहते हैं ताकि आपका एक स्टेपेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सो आई एम इंश्योरिंग दैट आई राइट ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली सो दैट दे आर नो कन्फ्यूजन टाइम्स टू स्क्वल यहां से अगर आप सी की वैल्यू निकालते हैं तो टू टाइम्स टू इज फोर फोर को वहां जाके माइनस कर दें टेन माइनस फोर इज सिक्स सी की वैल्यू हो जाएगी सिक्स अच्छा एक बात जो है वो बच्चे गलती करते हैं ए बी और सी की वैल्यूज जब आ जाती हैं उसके बाद वो वापस इस फॉर्म में रख कर उस फॉर्म को नहीं देते बस यही आंसर छोड़ देते सो दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी एग्जामिनर ने आपसे ए बी सी की वैल्यूज का नहीं कहा कि वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी निकालो कहा है एक्सप्रेस एक्स फोर एक्स प्लस टेन इन फॉर्म ब्रैकेट एक्स प्लस बी होल प्लस फॉर्म ए की वैल्यू क्या है भाई वन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ वन लिखेंगे अच्छा वन ब्रैकेट के बाहर वन लिखने की कोई सेंस बनती नहीं है इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है बी की जगह आप लिखेंगे टू तो ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा सी की वैल्यू लिखेंगे आप सिक्स एक्स प्लस टू वन टाइम्स एक्स प्लस टू होल स्क्स तो बस यही मैं आंसर दे दूंगा प्लस सिक्स दिस विल बी योर फाइनल आंसर दैट यू आर टू गिव दिस विल बी योर आंसर आई एम अगेन रिपीटिंग इट ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना था यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए सब्सिट्यूटेड सीड वन बाय वन सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे उस फॉर्म में आ जाएगा बी की जगह आ गया टू ए की जगह वन आ गया लिखने की जरूरत नहीं है सी की जगह आ गया सिक्स तो लिख दिया सो दिस वे वी हैव कन्वर्टेड अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसे कन्वर्ट करना है उसे लेफ्ट साइड पर रखो जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे राइट साइड पर रखो उसको एक्सपैंड करो वन बाई वन एक्स स्क्स और एक्स पावर जीरो के को एफिशंट कंपेयर करो तीनों कॉन्शेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी उसको वापस जो गिव इन फॉर्म है उसमें आंसर दे दो

तो मेक श्योर जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी पॉइंट पे आप जो है वो मुझे कन्फर्म कर इज इट क्लियर टू एवरी वन और इज दर इज एनी थिंग दैट यू नीड क्लैरिफिकेशन फर्दर वेटिंग फॉर एन एक्नोलॉजमेंट फ्रॉम एवरी वन if you write a equals one will that be an equals to or identity didn't get your question actually if you wish to uh, ask on the mic then i'm unmuting you hi um so sir um, my question is if you were to write um you know how you said that identity is something that it's equal to right Yes. Um, so if i were to write a is equal to one um would that be an identity or equals to okay a equals one right this is what yeah. you are saying yeah look uh, over here there's no concept of equation and identity equation uh, something is an equation when we have variables on both the sides let's suppose if i say x plus two is equals to two x minus one mm -hmm. now this is an equation you know why because let's suppose if you take x equals to one then on the left side you will get 1 plus 2 equals 3 and uh, on the right side you'll get 2 times 1 minus 1 1 so they are not equal so there is only one single value of x which will make both sides equal else they both sides will be different so that is why this is an equation we have variables on both the sides and ultimately there is only one single value of x for which the equation is valid but if we talk about this x minus 2 whole square is uh equals to x square minus 4 x plus 4 this is an identity because no matter which value of x we substitute, both sides are always equal. As far as a equals to one is concerned, this is simply a is a constant. A is not a variable. The concept of equation or identities come comes of under consideration when we have variables involved and variables are on both the sides. So as of now, over here this is an, is a constant. A is not a variable; it's a constant, and the value of the constant is a equals to one. So there is no concept of equation or uh, equation or identity over here. Getting my point? Yes, and sir, just one more question. Okay. So um when you say that um you know x is squared, right? So um x is squared on the right hand side, sorry, left hand side, and then a x squared on the right hand side, right? So yes, if right. you write x squared is equal to a x squared, they would be equal to each other, right? If you write um x is squared is equal to a x squared. This is what we are saying. Yeah, is that correct or wrong? No, it's it's wrong you can write a x square is equals to 1 x square this entire thing equals to this a x square is equals to x square so then you'll say x square x square will get canceled and the value of a that you're going to get is 1 so this is correct okay and uh, under that if you take that into account right would that then be considered equals to or identity Actually, again, it's, uh, this is something that we are doing is uh, we are comparing, and uh, if we are talking x square is equals to a x square, right? Yeah. Now, this is not a purely an equation or an identity. this is neither an equation nor an identity because there's a constant as well involved. So this is basically we are comparing. comparing coefficients is different from equation and identity. Identity is a dif bit different concept. Actually, you are confusing it, getting it. Yeah. So yeah. this is this activity that we are doing is known as comparing coefficients. So there is no concept of equation or inequality over here. Sorry, no concept of equation or identity over here. It's basically comparing. We are comparing both the sides, and the major objective for comparing is to find the unknown constant. Okay. As far yeah. as equation or identity is concerned, equation and identities in the, in the equations and identities there are no constants involved. Ultimately, there are variables on both the sides. And equations are solved to give the values of the variable for which the equation is valid. अब जैसे न अगर मैं किसी equation को solve करता हूँ x plus two को मैं solve करता हूँ two x minus one के साथ क्या होगा yeah. x को आंलें जाओगे two x yeah. minus x will give you x two plus one will be equals to three the value of x that you are going to get is three right yes so now this x equals to three is the solution of this equation and this is the only value of the variable for which the left hand side is equal to the right hand side that is why the left hand side and right hand side are not considered to be an identity rather they are considered to be an equation because there is only one single value for which both sides are same oh okay i got it now Sorry. all right got it mm -hmm. yeah all right great great thank you anything else no thank you all right great no issues problem. no problem whenever you have any problems mike is best so you can always uh, raise your hand and i can definitely ask no issues at all okay i can definitely answer that sorry so for the rest everyone is clear right i've uh, yes i've got an acknowledgement from everyone right so it's clear perfect all right moving forward towards the example number 2 example number 1 was very simple because there was x the coefficient of x square was 1 so, example number two is also very simple, but the x square coefficient is not just one, it's other than one. So, we need to see how to do it, and you'll see inshallah that things will be very, very normal for you. No matter which kind of example you see, comparing coefficient method is very simple. So, again, this, uh, let's focus on our past practice. Something that needs to be converted will be taken on the left hand side. The form in which we are to convert. राइट हैंड साइड एंड विल बी एक्सपेंडेड सो लेट्स अच्छा अब एक और चीज इज इट एसेंशियल को दोबारा लिखू सर इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन शुरू कर दू क्यूँ बिलावजा मैं इसको लिखने में टाइम वेस्ट करूं बिल्कुल सही है अक्लमंदी यही कहती है देर इज नो पॉइंट ऑफ री राइटिंग इट अगैन वो तो मैंने समझाने के लिए कहा था कि जो लेफ्ट साइड ये वाली जो चीज है लेफ्ट साइड पर आ जाएगी ये वाली चीज राइट साइड पर आ जाएगी और इक्वेट हो जाएगा बट इक्वेट होने के बाद हमें

सी स्क्वाइ प्लस ए ये याद रखें कि बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर जो खुलेगा वो इस रूल के मुताबिक खुलेगा ए प्लस बी होल के रूल के मुताबिक खुलेगा सबसे पहले बी एक्स का स्क्वास बी एक्स टाइम्स सी तो टू बी सी एक्स देन जो सी था यहां पर उसका स्क्वायर विच विल गिव स्क्र और फिर एंड में जो ए आपको नजर आ रहा है वो एज इट इज कॉपी कर दी

plus 2 bcx plus c square and then at the end we are going to copy plus it. now again the steps are same comparing coefficients so this is comparing coefficients then one by one we have to compare so let's compare x square So this left hand side and the right hand side are to be compared why because they are identical sides this is an identity that is why we are comparing always remember Comparing coefficient is only possible when we are dealing with identities. Because we know that left hand side and right hand side are ultimately the same. Although they seem to be different, although they seem to be different, but they are ultimately the same. That is why we are saying that they are ident. This is an identity. And whenever we are dealing with identities, to find unknown constants, we we can follow comparing coefficients. So over here, if we compare x square. From here we are going to get b square. From here we are going to get 4 B square is equals to 4 B square is equals to 4 and from here you'll get b equals to 2 acha ab yahan ये confusion aati hai Confusion ये आती है sir b square है स्कुरे जब square लटेगा तो plus minus दोनों आ जाएगा. तो इसका मतलब b की value plus minus two हो जाएगी.

On the left-hand side we have 10. So let's compare. 2 times b times c is equals to 10. अच्छा देखिए मैंने क्या एक step बचाया आपका. 2 times b times c था और b की value आ चुकी थी b की जगह पे मैंने 2 रख दिया. Rather than देंगे मैं b पहले लिखूँ फिर मैं 2 डाल के दिखाऊँ तो I am wasting my time. So now from here 2 times 2 is 4 and c is 10 upon 4. ट इज सिंपलीफाइड टू फाइव अपॉन टू तो ये भी कर सकते हैं टू वन टू टू फाइव जो ये हमने स्मार्टली कैंसिलेशन कर ली वी नो दैट न्यूमिनेटर अगर सेटर से राइट दीज आपको लगता है कि आपकी से क्लियर है तो यू कैन ऑलवेज आस्क बट ये इतनी सिंपल चीज है कि आनी चाहिए को जो एलेवन में मैथ्स पढ़ तो सी इज इक्व टू फाइव अपॉन टू देन मूविंग फॉरवर्ड एक्स पावर जीरो एक्स पावर जीरो विदाउट एक्स विदाउट एक्स वी है लेफ्ट एंड साइड वी है लेट्स डू इट सी स्क्वाइट बट राधर देन सी हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं उसकी सी स्क्र प्लस ए इज इक्वल टू थ्री एंड इफ़ यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो हम क्या करेंगे फाइव पॉइंट टू होल स्क्वायोयर को एक्सपेंड करके थ्री से माइनस कर देंगे अच्छा ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव कैलकुलेटर हाँ मेरे पास करोटर मौजूद है और कैरेटर इज ऑलवेज अलाउड तो आप करोटर का बिला से जगक इस्तेमाल करें अब आपको लंबी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है आदत होती है ना हमारी बाजों का तो ओलवर्स पेपर वन विदाउट कैलुलेटर होता है या आई जी सी एस में कोई बेसिक चीज की वर्किंग दिखानी होती है तो यहाँ पर आप स्मार्टली डील कर सकते हैं वंस यू है डायरेक्टली राइट द वैल्यूफ़ ए जरूरी नहीं है कि आप फाइव का स्क्वायर बल्कि जरूरी नहीं टाइम वेस्टिंग होगी आपकी अगले स्टेप में थ्री माइनस ट्वेंटी आदत बनी हुई है तो four 12, 12 minus 25 upon four, फिर वो माइनस थर्टीन अपॉन फोर कोई ऐसा नहीं है कि आपने अगर मैनुअल वर्किंग करनी है तो आपको एक्स्ट्रा कोई मार्क्स वार्क्स मिलेंगे नो आर अलाउड वेरी स्मार्ट कैलकुलेटर्स

ऊपर वाला स्टेप लिखने के बाद आप डायरेक्ट ए की वैल्यू लिख सकते थे हाँ कोई ये भी नहीं लिखता डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेता है तो वो सही नहीं दिस स्टेप इज एसेंशियल लेकिन इस स्टेप के बाद मजीद मैनुअल वर्किंग दिखाना इज इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम सो यू हैव टू डू डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर टू अपटेन दिस वॉट राइट ऑन द कैलकुलेटर थ्री माइनस फाइव अपॉन टू होल स्क्स राइट ऑन द कैलकुलेटर थ्री माइनस फाइव अपॉन टू होल स्क्वायर and you will get the value negative 13 upon you can check it out once you have found the value of b the value of c and the value of a what you have to do is you have to input back b will be put here c over here and a at the at the end ab rakhe zara ab jo form thi bx tha to ye ho jayega 2x plus c hai to ye ho jayega plus 5 upon 2 ye ho jayega whole square अच्छा अब देखें ये एक चीज नोट करें दिस इज प्लस ए प्लस ए लिखा हुआ है राइट बट ए की वैल्यू है तो जस्ट इमेजिन इफ दिस दिस ए इज 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 गोइंग टू बी ओवर हियर देन प्लस प्लस टाइम्स एंड वी ऑल नो दैट माइनस माइनस तो यहाँ जो साइन आएगी दैट बी ऑफ माइनस क्यों क्योंकि ओरिजिनली जिस फॉर्म में करना था उसमें प्लस लेकर लगा रहा था लेकिन ए की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव ने आ गई तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहां माइनस बचेगा सो ओवर हियर अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू राइट माइनस थर्टीन अपॉन फोर तो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर ये मेरा फाइनल आंसर बन सो दिस इज कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म दैट आई हैव एंड दिस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हैज मल्टीपल यूज

लेकिन सर माइनस भी तो हो सकता था प्लस क्यों लिया अच्छा चलिए अब सोचते हैं अगर कोई बच्चा यहाँ नेगेटिव टू ले लेता तो जब वो यहाँ कंपैरिजन में टू की जगह माइनस टू डालते तो सी की वैल्यू भी माइनस फाइव पॉइंट टू आती अच्छा बी भी नेगेटिव होता सी भी नेगेटिव होता तो सी नेगेटिव फाइव पॉइंट टू अगर होता भी तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाता और ए की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कुछ भी कर लेते ए की वैल्यू तो यही होनी थी चाहे बी की वैल्यू नेगेटिव टू ली जाती या पॉजिटिव टू बस फर्क क्या पड़ता है कि अगर बी की वैल्यू नेगेटिव टू हो जाती तो सी की वैल्यू नेगेटिव फाइव पॉइंट टू हो जाती अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है इससे ये फर्क पड़ता है बेटा ये देख लें इससे ये फर्क पड़ता है कि ब्रैकेट में टू एक्स की जगह माइनस टू एक्स होता और प्लस फाइव पॉइंट टू की जगह माइनस फाइव पॉइंट टू का होल स्क्वायर होता तो सर फिर ये चीज़ तो अलग है और ये चीज़ तो अलग है ये तो अलग अलग हो गए बेटा ये दोनों अलग नहीं है ये दोनों एग्जैक्टली सेम ये दोनों अलग नहीं है ये दोनों सेम सर साबित करें बगैर प्रूफ के बात ना करें प्लीज प्रूफ दिस पॉइंट आइए देखते हैं इसको सिंपल एग्जांपल से साबित करता हूं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर करते हैं ना वो बिल्कुल सेम है जैसे कि माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर वो कैसे वो ऐसे बेटा कि अगर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मुझे करना है

मेक सम एरर्स इन द साइन अब एक चीज मैं जहन में बिठा रहा हूँ उसको जहन में रख ले। पास के अंदर बहुत काम आएगी अगर ब्रैकेट में दोनों टर्म्स की साइन प्लस है तो भी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है एक्सपेंशन में और अगर दोनों के दोनों माइनस हैं तो भी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा लेकिन अगर एक्स माइनस टू होल स्क्वायेयर होता या माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर होता किसी एक के पास माइनस होता तो आप माइनस एक्स प्लस टू होल वाले केस में इसको रीराइट करते को बाद में ले आते तो ये वाला और ये वाला वो केस है जो A minus B whole square की तरह होगा लेकिन ये वाला केस और ये वाला केस वो केसेस है जो ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड होगी तो याद रखने के लिए याद रख लें कि दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो एक्सपेंशन ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह होगी अच्छा सर दोनों माइनस में कैसे ये वाला रूल अप्लीकेबल है जरा ये तो साबित करें तो अब देखें एक चीज हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं तो अब मैं यहाँ एक ब्रैकेट बना रहा हूँ वो देखिएगा तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ माइनस एक्स माइनस टू में माइनस इज टेकन एज कॉमन तो विल गेट माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस टू एंड एट द एंड देर स्क्वायर भाई अगर मैंने माइनस कॉमन लिया था तो एक्स पॉजिटिव एक्स हो गया और माइनस टू भी पॉजिटिव टू हो गया लेकिन ये जो स्क्वायर है ये तो अल्टीमेटली होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब जो माइनस लिया उस पर भी स्क्वायर होगा अच्छा अब सुनिए माइनस जो है ना ये माइनस वन है तो समझ लें सिनेरियो है माइनस वन मल्टीप्लाइड इसको बल्कि मैं लिख ही देता हूँ अब ये सिनेरियो समझ लें माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू का एंड अल्टीमेटली होल स्क् व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये स्क्वायर जो है माइनस वन पे भी लगेगा और ये जो तो स्क्वायर है तो माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव बन जाती है तो माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन इन टू माइनस वन पॉजिटिव हो गया तो वी आर एंड में वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस टू होल किस तरह से माइनस एक्स माइनस टू होल द सेम एज एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो खोलना कैसे एस प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक खोलना है मतलब अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू इंटू टू इंटू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर तो अगर आप एक्स प्लस टू होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं या माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं दोनों सूरतों में ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंशन होगी क्योंकि अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर उसके ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा और वो माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि वो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो सर इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर माइनस टू ले लेते तो सी भी नेगेटिव आ जाता और हम आंसर में माइनस दोनों जगह दे देते तो अल्टीमेटली एक्सपेंशन तो सेम ही बनती तो इसका मतलब कन्वर्जन तो हमने सही किए जी बिल्कुल कन्वर्जन सही किए बट यहाँ पर ये यह चांस है कि आपके मार्क्स कट जाए तो इसीलिए आपको जो पता है कि माइनस माइनस लेने पर भी वही आंसर बनेगा अल्टीमेटली और पॉजिटिव पॉजिटिव लेने पे भी वही बनेगा तो फिर आपने रिस्क क्यों लेना है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब आप स्क्वायर को हटाएंगे तो आप स्क्वायर रूट लेंगे और फिर प्लस माइनस नहीं लेंगे सिर्फ प्लस लेंगे बस ये कुछ केसेस होंगे जहां आपको सिर्फ प्लस लेना होगा वो आपको बता दिया जाएगा अब जैसे लेट सपोज इफ यू नो दैट एक्स इज अ लेंथ एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स फोर

तो कभी बड़ी वैल्यू वाला रिजेक्ट हो रहा होता था कभी छोटी वैल्यू वाला तो कोई फर्ज नहीं है कौन से रिजेक्ट होगी वो तो सिनेरियो सिनेरियो टू वेरी करेगा बट जस्ट टू गिव इट अ प्रलैरियो के हिसाब से जज करना है बट यहां पर जो कंपेयरिंग वाला मामला है यहां पर आपने इस तरह से डिसाइड करना है जैसे कि मैंने बताया कि यहां आपने माइनस को नहीं लेना आपने सिर्फ प्लस लेना है हां माइनस लेकर भी आपके अल्टीमेट आंसर्स वही बनते हैं लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना है आपने सिर्फ पॉजिटिव लेना है क्योंकि इतनी डेप्थ में एग्जामिनर भी नहीं घुसता एट टाइम्स नहीं घुसता वो तो इसीलिए आपने भी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है तो ये कंपेयरिंग को मैंने एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर टू दोनों कवर करवा दिए हैं स्क्रीन आप ले सकते हैं और क्लियर और इफ देस एनी कंफ्यूजनोलेंट फ्रॉम एवरी

Yes, it's perfectly fine, कोई मसला नहीं है आपके नहीं कटेंगे लेकिन एक common practice होती है है ना examiner की कि जब वो coordinate दे रहा होता है, वैसे एम तो एस में, में, में लिखा होता है ओ ई ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड ओ का मतलब होता है or equivalent. Or equivalent. तो बस ये समझ लो कि आपका आंसर जो है ये अगर आप देते हैं या

क्योंकि यहाँ तो एक एग्जैक्ट एस आ रहा है तो यहाँ तो मसला नहीं लेकिन अगर नॉन एग्जैक्ट एस आ रहा है तो फिर उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो फिर आप ऐसी चीज को प्रिफर मत करें तो इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में बेहतर यही है जहाँ जो चीज बेहतर होगी वहां वही चीज बताऊंगा बेहतर यही है कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने दें क्योंकि अगर नॉन एग्जैक्ट कभी हो गया थर्टी नॉ की जगह थर्टी नॉन थ्री होता फिर तो इसमें डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट का चक्कर आ जाता फिर आपको Uh, जो है राउंड ऑफ करना पड़ता तो एक टेंशन रहती है फिर वह रूल है कि थ्री एस में राउंड ऑफ करना है बट यूज इसकी प्रैक्टिस नहीं यूजली इसकी प्रैक्टिस यही है फ्रैक्शन में देता है वो नॉन एग्जैक्ट और इन चक्रों में यहाँ पर नहीं पड़ता एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं रेंज देनी होगी या कोऑर्डिनेट्स अब सोचे ना किसी बच्चे का आंसर थर्टी ना थ्री आ रहा है तो थर्टी ना थ्री का मतलब हो गया उसके फोर पॉइंट थ्री 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 आ रहा है तो कोई अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो फोर पॉइंट थ्री देगा कोई फोर पॉइंट थ्री 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 देगा तो फिर वो क्या होगा कि मसले मसाइल आ जाएंगे तो बेहतर है कि आप एंड दैट नेगेटिव अपॉन ओवर हियर द मिनिमम वैल्यू। क्यों? अगर आपको याद है तो मैंने ये आप लोगों so को बात बताई थी ब्रैकेट का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है सो इट्स हैप्पी फेस्ट करें एक्स प्लस टू कोम सिक्स द मिनिमम पॉइंट

बताएं क्या होंगे और नेचर क्या होगा इस फॉर्म को देखते हुए बताएं ये जो फॉर्म आई है एवरी वन टू पार्टिसिपेट तभी मुझे पता चलेगा ना कि जो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ाए याद है या नहीं भूल तो नहीं गए चले सबसे पहले आपने नेचर बता रहे हैं नेचर क्या है ये बता दें पहले फिर कोऑर्डिनेट्स बता दें चल वन बाय वन कर ले स्टिल वेटिंग फॉर द कॉर्डिनेट्स नेचर के बाद कॉर्डिनेट्स भी तो बताएं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप लोग पार्टिसिपेट करने में आप लोग शायद लोगों को मसला हो रहा है जो कि मुझे लग रहा है कमेंट पे मैसेजेस नहीं आ रहे तो इस हवाले से मैं लेट मी एक्सप्लेन इट सबसे पहली चीज होती है ब्रैकेट का कोएफिशिएंट ऑफ द ब्रैकेट इज वन राइट सो इफ द ब्रैकेट इज वन दिस मींस इट्स मिनिमम पॉइंट सो इफ इट इज अ मिनिमम पॉइंट स कि नेचर मिनिमम हो गया तो ये यह, यहां तक कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेशन की थी एंड दैट वॉज फाइन तो अगर कोई नेचर पूछता है तो आप बोलेंगे यस इट्स मिनिमम पॉइंट राइट अच्छा फिर सवाल पैदा होता है कॉर्डिनेट्स का तो स्टेप्स याद करेंगे स्टेप्स मैंने क्या बताए थे मैंने ये बताया था कि ये जो नेगेटिव थर्टीन अपॉइन फोर होता है ये एज इट इज विथ साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव वही साइन आ जाएगी ये हो जाएगा टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। इसमें तो कोई डाउट होता ही नहीं टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसे करो। मैंने कहा था पूरा जो ब्रैकेट है इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है लिहाजा इसको इक्वेट टू जीरो कर दें तो आप टू एक्स प्लस फाइव अपॉन टू जो है इस पूरे को इक्वेट टू जीरो करेंगे मैंने कहा था ना पूरे ब्रैकेट को होल स्क्वायर को भी जीरो से इक्वेट करेंगे द तो अल्टीमेटली द स्क्वायर विल बी कैंसल्ड बिकॉज़ व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो तो कोई लंबी वर्किंग करने का फायदा नहीं तो बेहतर क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको इक्वेट टू जीरो करें तो लेट्स डू इट 2x 5/2 0 यहां से इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व आपका आ जाएगा minus upon 2X plus upon to 0 जब आपने किया X to minus upon हो गया और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एज इट इस विल बी मिनिमम पॉइंट ये तो नेचर हो, हो गया आपका मिनिमम तो मिनिमम पॉइंट है और ये जो नेगेटिव थर्टीन अपॉन फोर है दिस इज मिनिमम वैल्यू कभी आपसे पूछे व्हाट इज दिन वैल्यू राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू एंडस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स

जबरदस्त हो गया ग्रेट स्क्रीनशॉट ले लिए ले, ले, ले अगर नहीं लिया तो अच्छा मूविंग फॉरवर्ड कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए एक मेथड कंपेयरिंग को एफिशियंट मेथड है जो मैंने आपको सिखा दिया सवाल सर क्या ये कंपेयरिंग को एफिशियंट मैथड आप हमेशा हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी और मेथड को सीखे भी अगर हम इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं जी बेटा आप कर सकते हैं कोई मसला नहीं लेकिन नॉलेज और स्किल के लिए हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे एट टाइम्स वो बहुत फास्ट होता है और आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं जबकि कंपेयरिंग में अगर बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन भी है तो भी आप देखें आपको इतनी लंबी वर्किंग तो करनी ही पड़ती है लेकिन अगर कंपेरिंग द को एफिशियन मैथड हो कंप्लीटिंग द स्क्र मैथड हो सॉरी मैथड नंबर वन क्या है कंप्लीटेड स्क्वेर फॉर्म लाने के लिए कंपेयरिंग को एफिशियन मैथड मैथड नंबर टू कंप्लीटेड स्क्वेयर फॉर्म ऑप्टेन करने के लिए टू ऑप्टेन द कंप्लीटेड स्क्वा कंप्लीटिंग द स्क्र मैथड ऑफिशियल जो इसका कंप्लीट द स्क्वायर मेथड है जो किताबों में भी लिखा हुआ है वो वाला मेथड मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं तो दे आर सर्टेन स्टेप्स एंड इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट जस्ट ट्राई टू कनेक्ट एंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट ट्राई टू लिंक द कॉन्सेप्ट फिर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें या ना इस्तेमाल करना चाहें ये आपके ऊपर है कंपेयरिंग आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आप चाहें आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ सवाल में मेथड वन अप्लाई कीजिएगा कुछ में मेथड जब करना शुरू करेंगे अगर कोई एक ही मेथड में महारत हासिल करना चाहते हैं और उसी मेथड को पसंद करते हैं तो किसी एक ही मेथड को फॉलो करते हुए चले कोई मसला नहीं है एग्जामिनर किसी स्पेसिफिक मेथड पे हाथ नहीं रखता एग्जामिनर नीड्स कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म

तो अब देखिए सबसे पहले ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो अभी मैंने ऊपर करवाई भी थी ए प्लस बी होल स्क् ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र एंड ए माइनस बी होल स्क् ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र अब इस चीज को जरा समझें कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए वी विल बी फोकसिंग ऑन फर्स्ट टू टर्म्स ओनली और थर्ड टर्म को हम बिल्कुल साइड पर रखेंगे फिर इन दो टर्म्स को हम तीन में कन्वर्ट करेंगे और हमारा आंसर आएगा अब मैं वन बाय वन स्टेप्स पढ़ता हूं और फिर आपको समझाता हूं स्टेप नंबर वन द को एफिशन ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी टेकन एस कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स अब देखें यहां आप फोकस देखें फर्स्ट टू टर्म्स पे फोकस हो रहा है इसका मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट करने के लिए पहले दो टर्म से फोकस करेंगे मतलब जिसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है वो वाला और जो एक्स वाला टर्म है वो वाला मतलब जो तीसरा टर्म है उसको आप साइड पर ही रख दे पहला पॉइंट अच्छा और ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें आप कॉमन लें और कॉमन लेने वाला नंबर वो नंबर होगा जो एक्सक्वायर का कोएफिशिएंट होगा अब जैसे एग्जांपल नंबर वन में एक्सक्वायर का

फिर कंप्लीट द स्क्वायर बाय एडिंग एंड स्क्टिंग बी स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट्स वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी चोजन आफ्टर रीअरेंजिंग द सेकेंड टर्म एज टू ए बी दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि जब ये दो टर्म्स आप ले रहे होंगे तो इनमें स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होगा इन दोनों में कॉमन ले लेंगे कॉमन लेने के बाद जो भी आपके पास बचेगा सेकेंड टर्म में उसको आप 2ab में रीअरेंज करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि b की वैल्यू आपने क्या लेनी है एंड अकॉर्डिंगली आप जो है फिर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑप्टेन कर लें अब मेरे ख्याल से ये स्टेप्स इस वक्त समझना मुश्किल हो रहा होगा तो हम पहले एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं फिर मैं स्टेप्स को रिविजिट करूंगा तो अभी तक कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं अभी तक मैंने कुछ समझाया ही नहीं ये समझ लें अभी मैं शुरू कर रहा हूँ अभी सब छोड़ दें अभी सिर्फ ये देखें बस ये अच्छा देखें लेफ्ट हैंड साइड को खोलते हैं तो राइट हैंड साइड आती है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आने का नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाए और हमें इस फॉर्म लेफ्ट वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो इसको हम कहते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर एक होती है एक्सपेंशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन तो जब हम तीन टर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इस होल ब्रैकेट फॉर्म में ला रहे तो ये कहलाएगी कि वी हैव वी हैव Followed the 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 process of completing square 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 and ultimately तो we have obtained the completed square form तो completed square form क्यों कह रहे हैं? और जो मैथड है उसको completing the square इसलिए कह रहे हैं कि उसमें कुछ कर रहे हैं ताकि square complete हो तो आप example number वन समझते हैं उस पर फोकस करते हैं और फिर elaboration करते हैं फॉर्म ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी वेर एंड सी आर कॉन्स्ट अब अगर आप देखें यहां पर तो पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि भाई तीसरे टर्म को साइड पर रख दो कीप द थर्ड टर्म अंडस ऑन द फर्स्ट टू टर्म्स एंड वट एवर यू हैव एज देशन ऑफ एक्स स्क्ट एज कॉमन अब क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं तो मैंने ऐसे ही ब्रैकेट बना दिया एक्स मैंने कहा पहले दो टर्म्स पे फोकस करना था कॉमन तो लेने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने ऐसे ही कॉमन बना दिया एंड में मैंने लिख दिया प्लस फाइव तो पहला स्टेप जो कॉमन लेने वाला था वो एप्लीकेबल यहां पर नहीं है बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ इज ये हो गया पहला स्टेप दूसरा स्टेप ये कहता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर भी है आपके पास टू एक्स भी है अच्छा इसका शॉर्टकट भी है वो मैं बाद में बताऊंगा पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अब आपने करना यह है कि आपने एक्स को ए स्क्वा फॉर्म में लिखना है एंड टू एक्स को आपने टू ए बी फॉर्म में रीराइट करना है ताकि आपको अल्टीमेटली पता चल जाए कि बी की वैल्यू क्या हो तो आइए इस स्टेप को करते हैं तो एक्स स्क्वायर था तो मैंने इसको लिख दिया एक्स होल स्क्वायर तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो वैल्यू ऑफ ए है वो है एक्स अभी जो टू एक्स है इसको रीराइड करना है टू ए बी फॉर्म में तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ तो टू एक्स को रीराइड किया प्लस टू टाइम्स ए टाइम्स बी तो अब ए मुझे पता है क्या है क्योंकि एक्स होल स्क्वायर था तो ए वॉज एक्स तो इस ए की जगह पे एक्स लिख देते हैं अब आपने जब इस टू एक्स को टू ए बी फॉर्म में लिखना है और a की जगह आप x लिख चुके तो अब आपने सोचना है कि भाई इस b की जगह पे मैं क्या लूंगा कि जब 2a एंड b मल्टीप्लाई हो तो 2x आए जैसा कि मैं कह रहा हूं दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल तो b की जगह पे क्या आएगा कि जब 2a और b मल्टीप्लाई हो तो अल्टीमेटली 2x आए तो बताएंगे क्या आ सकता है इस ब्रैकेट वेरी गुड सबकी पार्टिसिपेशन नहीं है लेकिन जिसने पार्टिसिपेशन की सही की यहाँ पर वन आएगा क्योंकि यहाँ पर वन आएगा तब यह कभी कन्फ्यूजन हो तो इस तरह से लिख दिया करें टू टाइम्स एक्स टाइम्स टू टाइम्स ए टाइम्स बी शुड बी एक्स इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ बी तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एक्स अपॉन टू एक्स हो जाएगा कैंसिल होने के बाद वैल्यू आ जाएगी वन So लिख दिया टू ए बी को आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो अब प्लस बी स्क्वायर रह गया मैंने कहा था एंड तो में ही रखो उसको तो छोड़ ही दो प्लस फाइव को टच मत करो बस सिर्फ दो टर्म से फोकस करो और उसको इन दो को तीन में कन्वर्ट करो तो वेन यू है वैल्यू ऑफ बी इज वन स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो बी का स्क्वायर है उसको आपने ऐड करना होगा तब जाके आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा तो आपने कहा यार वन तो आ चुका है और पता चल गया कि वन जो है वो बी है बी की वैल्यू वन है तो आप अपने कहा यार बी का स्क्वायर ऐड भी करते हैं अच्छा बी का स्क्वायर ऐड कर दे क्योंकि तो अगर मैं बी का स्क्वायर ऐड करूंगा ही ही तो ही मेरा स्क्वायर मुकम्मल होगा तो ही मेरा स्क्वायर कंप्लीट होगा टू कंप्लीट द स्क्वायर आई नीड टू ऐड दिस बी तीन टर्म्स मुकम्मल हो जाए बी स्क्वायर नहीं था तो बी स्क्वायर मैंने इजाफी ऐड कर दिया लेकिन सर ये तो गलत नहीं हो गया मैंने बी स्क्वायर जो है वो इजाफी ऐड कर दिया तो इससे तो गड़बड़ हो गई इजाफी बी स्क्वायर ऐड करने से एक प्रॉब्लम हो गया

आपको डेसेमल हटाना चाहता है तो कह गया मल्टीप्लाई बाय टेन में भी करता हूं मल्टीप्लाई बाई टिनेटर में भी करता हूं तो ये हो जाएगा ट्वेंटू अपन थर्टी डेसेमल आगे मूव हो जाएगा ये हो जाएगा टू अपॉन थर्टी two ones are two, two fifteen is a thirty. It will be simplified to one upon fifteen. So, change changed what I did. I had to remove the decimal from the numerator, so I had to multiply by ten. But I have not just multiplied the numerator, but I have multiplied the denominator as well, so that the net effect is zero. Because so think, ten or ten will get cut. 10 or 10 तो कट जाएगा. जाएगा लेकिन काटते तो फिर फर्क क्या पड़ता

तो फिर बी का स्क्वायर ऐड होगा ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए और क्योंकि ये एक्स्ट्रा बी स्क्वायर ऐड किया है लिहाजा इसका स्क्वायर सब भी होगा ताकि ताकि नेट इफेक्ट जीरो हो ओवरऑल चेंज कोई ना हो जाए नेट इफेक्ट जीरो ही रहे तो ये एक स्टेप हो गया उसके बाद सिर्फ वन स्क्वायर के ऐड करने से स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुका था तो अब मुझे पता है कि ये जो मेरे पास है तीन टर्म्स ये मुझे एक कंप्लीटेड स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे तो अब मैं इन तीनों की मदद से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये मुझे तीन मिल चुके एंड दीज कैन बी कन्वर्टेड टू ए प्लस बी होल तो अब मैं देखता हूं ए क्या है भाई एक्स बी क्या है भाई वन अच्छा बीच में प्लस लेना, या लेना है या माइनस लेना है इसका दारो मिडल टर्म पे होगा मिडल टर्म पे प्लस है तो ए प्लस भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो ए माइनस भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होता तो ए की जगह लेंगे एक्स बी की जगह लेंगे वन और बीच में प्लस है तो हम लेंगे प्लस तो अब इन तीन को मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अच्छा सर ये एक्स्ट्रा वन स्क्वायर ऐड करने से आपका स्क्वायर तो मुकम्मल हो गया लेकिन ये इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ये जो माइनस वन स्क्वायर आया था इसका क्या करें बेटा इसको एज इट बाहर लिख दें तो का अच्छा एक गलती बच्चे करते हैं इसको माइनस वन होल स्क्वायर समझ के पॉजिटिव वन बना देते हैं तो ये माइनस माइनस ऑफ वन स्क्वायर है ये माइनस वन होल स्क्वायर नहीं है बोथ आर नॉट इक्वल डिफरेंट का स्क्वायर फिर माइनस बाद में मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी और का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव तो दे बोथ आर डिफरेंट तो ये समझ लें कि ये माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं है बल्कि ये माइनस ऑफ वन होल स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर इज वन माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ बचा माइनस वन रैकेट क्लोज हो गया और एंड में प्लस फाइव एज इट इज आ गई अच्छा अब अच्छा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का कोएफिशिएंट था और मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया था तो अब मुझे मजीद कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ कोई नंबर मैंने कॉमन लिया हुआ होता तो फिर वो मैं इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करता और मैं इस माइनस वन से भी मल्टीप्लाई करता और फिर जो आंसर आता माइनस वन को मल्टीप्लाई करके उससे प्लस फाइव को एड करके अल्टीमेट कॉन्सेंट लाता जो कि मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता टर्निंग पॉइंट का लेकिन यहाँ ये मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव एंड माइनस वन प्लस विल डायरेक्टली गिव मी प्लस फोर तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फोर तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा दिस विल बी माई फाइनल आंसर सही है जी ये हमारा आंसर बन गया मैं एक फर्स्ट स्टेप वेन एवर वी आर यूजिंग द स्क्र फोकस इज ऑन फर्स्ट टू टर्म्स एंड पहले जो दो टर्म्स हैं उसमें का कोएफिशिएंट कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर का कुछ भी नहीं था इट वाज वन तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी बस मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया प्लस फाइव को साइड पे कर दिया

एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लिख दिया मतलब स्क्वायर ब्रैकेट हासिल हो गया जो एक्स्ट्रा माइनस वन होल स्क्वायर था उसको एज इट इज कॉपी किया अगर कुछ कॉमन लिया हुआ होता तो फिर मल्टीप्लाई करके हम एंड में फाइव से एड करते बट यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी तो डायरेक्ट एड कर दिया माइनस वन प्लस एक्स प्लस फोर ये बगैर कंपेयरिंग द को एफेशन है ये स्क्वायर मेथड कहलाता है अपलाई नहीं हुआ

सॉरी ए को नोन रखें जो कि एक्स है बी को बी रहने दें अनोन और उसको से इक्वेट कर दें आपको बी की वैल्यू पता चल जाएगी दैट इज वन ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था पहला एग्जाम्पल था इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल थ्री एग्जाम्पल फोर मौजूद है इसमें बहुत डेप्थ अभी बाकी है इसमें बहुत कुछ मुझे आपको मजीद समझाना है इसको इनशाला नेक्स्ट क्लास में मजीद डिटेल में समझाऊंगा अभी के लिए मुझे बता दें क्या ये मेथड सबको क्लियर है और आर देर एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो

Uh, with that, inshallah, we are going to end our class. Always remember that we are whenever you are coming in the next class. Make sure that whatever we have covered in the last class, you uh, review that. Just make sure that whatever homework you have been given, you try to complete that and you make it a point to revise and review whatever has been covered. Recorded lectures will always be available on the LMS and you can always revisit them. With that, Inshallah, I I say goodbye to you all. Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa